हेलो एंड वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास बिजनेस स्टडीज। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था जीएसटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स। इस क्लास में हम ये देखेंगे कि रिटेल ट्रेड जो होता है उसको हम कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सो देखिए, ये जो डिवीजन है ये किस बेसिस पे होगा? ये हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि साइज जो है रिटेल ट्रेड का वो छोटा है या फिर बड़ा है। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये कौन सा रिटेल ट्रेड का टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ शॉप्स होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करती हैं, जबकि कुछ शॉप्स होती हैं जो एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। तो हम प्रोडक्ट लाइन के ऊपर भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विस लेवल के अकॉर्डिंग भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ओनरशिप के बेसिस पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि जो शॉप है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है या फिर एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्हीं बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो पर्टिकुलर रिटेल ट्रेड है वो कौन से रिटेल ट्रेड का पार्ट है। तो यहाँ पे हम दो तरह से इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। सो यहाँ पे रिटेल ट्रेड को पहले हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इटिनरेंट्स और दूसरा होता है फिक्स्ड रिटेल शॉप्स। देन क्या मतलब होता है इसका? तो इटिनरेंट्स वो होते हैं, वो रिटेल शॉप्स होते हैं जिनका कोई एक फिक्स प्लेस नहीं होता है। वो आज कहीं होते हैं, कल को कहीं और चले जाते हैं। मतलब कि जो उनकी शॉप है उनका कोई एक फिक्स प्लेस नहीं होता है। जबकि फिक्स रिटेल शॉप का क्या होता है, यहाँ पे उनका एक फिक्स प्लेस होता है जहाँ पे आपको वो हमेशा दिखाई देंगे। सो इटिनरेंट्स में आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इंक्लूड करते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। जबकि फिक्स रिटेल शॉप में हम इसको दोबारा से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं स्मॉल स्केल शॉप्स एंड लार्ज स्केल शॉप्स। सो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, देखिए नाम से पता चल रहा है कि स्मॉल स्केल मतलब कि जो छोटे एरिया में है या फिर जो लिमिटेड चीजों के अंदर डील करते हैं। जबकि लार्ज स्केल में क्या होता है कि ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर डील करते हैं और इनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा होता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इटिनरेंट्स के पार्ट पढ़ना कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं जिसको हम इटिनरेंट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो अगर हम इटिनरेंट्स की बात करें तो उसके अंदर हम ये तीन चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जिसमें फर्स्ट है हॉकर्स एंड पेडलर्स। सो हॉकर्स एंड पेडलर्स कौन होते हैं? देखिए, ये सारे ही जो हैं इनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती है, लेकिन हॉकर्स एंड पेडलर्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इनकी फिक्स प्लेस तो होती ही नहीं है। इसके अलावा ये क्या होते हैं, ये स्ट्रीट्स में घूमते रहते हैं और जो भी इनके पास चीज़ें होती हैं वो किस तरह की चीज़ें होती हैं, वो डेली कन्वीनियंस की चीज़ें होती हैं। या तो वो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं या फिर छोटी मोटी चीज़ें ये सेल करते हैं। तो इनको हम इंक्लूड करते हैं हॉकर्स एंड पेडलर्स के अंदर। सो ये कैसे इसको कैरी करते हैं गुड्स को, या तो ये अपने हेड पे या फिर बैक पे कैरी करते हैं गुड्स को, या फिर कोई एनिमल कार्ट में कैरी करते हैं, या फिर जो एक नॉर्मल व्हील्स वाली कार्ट होती है उसके अंदर ये कैरी करते हैं इसको। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स की, सो ये कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि काफ़ी सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर डे पे एक मार्केट लगती है। वो मंडे मार्केट हो सकती है, ट्यूसडे मार्केट हो सकती है, सैटरडे मार्केट हो सकती है, संडे मार्केट हो सकती है। तो इस तरह से जो एक पर्टिकुलर डे पे लगती है या फिर कोई एक पर्टिकुलर फेस्टिवल पे लगती है या फिर पर्टिकुलर मंथ की किसी एक डे पे लगती है कि 10 तारीख को या फिर 20 तारीख को या फिर 30 तारीख को, तो इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं जो इस तरह की मार्केट में अपने गुड्स को सेल करते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स के अंदर। इनकी एक खास बात ये है कि जो एक पर्टिकुलर डे इनका है, मतलब कि जिस पर्टिकुलर डे पे मार्केट लगाई जाती है उस टाइम पे आपको ये अपनी फिक्स प्लेस पे ही मिलेंगे, अदरवाइज आपको ये यहाँ पे नहीं मिलेंगे। द नेक्स्ट आर स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स कौन होते हैं? ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो जनरली जो बिजी एरियाज होते हैं जैसे कि बस स्टैंड्स या फिर रेलवे स्टेशंस, इन जगहों पे होते हैं। सो देखिए, स्ट्रीट ट्रेडर्स और हॉकर्स एंड पैडलर्स के अंदर यही डिफरेंस होता है कि जो हॉकर्स एंड पैडलर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जबकि स्ट्रीट ट्रेडर्स क्या होते हैं, वो जनरली बस थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, अदरवाइज उनकी जो प्लेस होती है वो एज इट इज सेम रहती है।
इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रीट ट्रेडर्स की, तो स्ट्रीट ट्रेडर्स जो कन्वीनियंट के सामान होते हैं जैसे हैंकर चिप्स, तो ये सब ये सेल करते हैं। सो ये तो बात हुई इटिनरेंट्स की। अब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल शॉप्स की, जो फिक्स रिटेल शॉप्स का एक पार्ट है। सो अब नेक्स्ट है स्मॉल स्केल शॉप्स की। तो स्मॉल स्केल शॉप्स में देखिए, यहाँ पे कोई एक स्पेसिफाइड नहीं है कि स्मॉल स्केल का जो कैपिटल है वो कितना होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो जनरली स्मॉल होता है और जो हर लोकेलिटी में अवेलेबल होती हैं ये शॉप्स, जिसमें फर्स्ट है जनरल स्टोर। सो जनरल स्टोर वो स्टोर होती है जहाँ पे आपको अपनी कन्वीनियंस का हर तरह का सामान जो आपको डेली में यूज़ करना होता है वो ईजिली मिल जाता है। जबकि अगर हम बात करें स्पेशलिटी स्टोर की, तो स्पेशलिटी स्टोर के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कि वो शॉप्स जो किसी एक पर्टिकुलर गुड के अंदर डील करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फार्मेसी की, सो फार्मेसी किस में डील करती है, मेडिसिंस में। इसी तरह से अगर हम स्टेशनरी शॉप की बात करें तो वो स्टेशनरी का जो भी जितना भी सामान होता है उसमें डील करती है। अगर गारमेंट्स की शॉप की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वो सिर्फ गारमेंट्स में डील करते हैं। तो ये होती है स्पेशलिटी स्टोर जहाँ पे आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ें ही मिलेंगी। नेक्स्ट आता है सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। सेकेंड हैंड गुड्स शॉप वो शॉप होती हैं जहाँ पे सेकेंड हैंड आइटम्स बेचे जाते हैं, स्पेशली बुक्स एंड क्लोथ्स। सो बुक्स एंड क्लोथ्स की जो ये शॉप होती हैं, जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं वो सेल किए जाते हैं यहाँ पे। सो बुक्स, नॉर्मल सी बात है कि बुक्स हम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही अपने पास रखते हैं और उसके बाद हम उसको किसी और को दे देते हैं। अब ये जो बुक्स हैं ये किसी और के काम आ सकती है, इसीलिए इन शॉप्स को ओपन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लोथ्स की, सो ये शॉप उन लोगों के लिए खोली जाती है जो न्यू चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो पुरानी चीज़ें खरीद सकते हैं नई चीज़ें खरीद नहीं पाते हैं। सो ये होती है सेकेंड हैंड शॉप्स। सो नेक्स्ट इज सेकेंड शॉप्स। सेकेंड शॉप्स क्या होती हैं कि जब भी हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है गुड्स के अंदर। अगर कोई गारमेंट्स है तो कहीं से कोई सिलाई ढंग से नहीं हुई है या फिर कुछ फट गया है थोड़ा बहुत, तो इस तरह की चीज़ें भी बेची जाती हैं और जहाँ पे ये बेची जाती हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंड शॉप्स। सो सेकेंड शॉप्स वो शॉप्स होती हैं जहाँ पे जो डिफेक्टिव आइटम होते हैं उनको सेल किया जाता है। अब ये जो शॉप्स हैं ये परमानेंट शॉप्स नहीं होती हैं, लेकिन ये इटिनरेंट्स की तरह भी नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं, ये एक बैंक्वेट हॉल या फिर कोई ऑडिटोरियम या फिर इस तरह का कोई भी हॉल बुक करते हैं और उसमें सेल लगाकर जो भी डिफेक्टिव चीज़ें होती हैं उसको एमआरपी से थोड़ा कम प्राइस में बेच दिया जाता है। सो ये होती हैं सेकेंड शॉप्स। सो ये चारों तो हो गई स्मॉल स्केल शॉप्स। सो इस क्लास के लिए इतना ही। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्टडी करेंगे लार्ज स्केल शॉप्स की। फाइनली कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।